यहाँ पे देखिए जो है दोनों तरफ से बीम आया, और कुछ लोग कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई कौन सा सरिया को ऊपर रखना है, कौन सा सरिया को नीचे रखना है। मतलब इधर से जो बीम आया है इसका टॉप और बॉटम ऊपर रहेगा, किस पे रेस्ट करेगा, या कि इधर से जो बीम आया है वो किस पे रेस्ट करेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला बीम के ऊपर जो है, इधर से जो बीम गया है इसके ऊपर ये वाला बीम का सरिया है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला बीम इसके ऊपर, ये वाला बीम जो है इसका टॉप, इसका बॉटम, तो बॉटम के ऊपर इसका बॉटम रखा गया, इसका टॉप के ऊपर इसका टॉप, ये वाला बीम का रखा गया। अब ये कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे भाई क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए क्या, अब इसमें हम बहुत लोग को अगर बताए हैं कि भाई प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को लेकर के, प्राइमरी बीम क्या होता है, सेकेंडरी बीम क्या होता है। देखिए जो मेन बीम आपका रहेगा, मतलब कि जो आपका पिलर से पिलर जाएगा वो आपका प्राइमरी बीम होगा, लेकिन जो आपका जो है बीम, जो है बीम टू बीम जाएगा वो आपका सेकेंडरी बीम होगा। अब उस सिचुएशन में क्या है कि प्राइमरी बीम के ऊपर आपका सेकेंडरी बीम होना चाहिए। लेकिन ये तो मैं आपको प्लिंथ लेवल में बता रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट आपका रहेगा किस पे, टॉप, मतलब सेम कॉन्सेप्ट आपका रहेगा रूफ के बीम में। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि इसमें देखिए जहाँ पे आपका पिलर का जंक्शन है वहाँ पे तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है भाई करना क्या है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ जंक्शन है, यहाँ पर आपका पिलर मतलब कॉलम का जंक्शन है, कॉलम के ऊपर ही रेस्ट कर रहा है, चाहे वो इस बीम पर रहे, चाहे इस बीम, चाहे पहले आप इस बीम को दे दीजिए, चाहे पहले इस बीम को दे दीजिए, बात बराबर होगा। देखिए वहाँ भी सेम सिचुएशन है, लेकिन अब एक देखिए वहाँ पे देखिए वो जो बीम गया है उस बीम के ऊपर बीम रेस्ट किया, अब उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं कि भाई हमको आपको नहीं, यहाँ जो है पहले प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिया, प्राइमरी बीम जो पिलर टू पिलर जाता है, सेकेंडरी बीम जो आपका जो है पिलर्स बीम टू बीम जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या, ये आपका इस पिलर से, ध्यान से देखिएगा, इस पिलर तक जो है ये बीम जो गया है वो प्राइमरी बीम हो गया। अब इस पिलर से इस पे जो आ रहा है, मतलब इस पिलर से इस पे जो आएगा यहाँ पे आपको, मतलब कि अब है कि ये वाला बीम तो ये वाला बीम पे प्राइमरी बीम पे रेस्ट करेगा, ये हो गया सेकेंडरी बीम। तो अब क्या है कि इसका जो टॉप और बॉटम का सरिया होगा इसके टॉप और बॉटम के ऊपर रेस्ट करेगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे रेस्ट किया है, ठीक है, मतलब है कि ये वाला जो बीम गया हुआ है, ठीक है, ये वाला बीम गया हुआ इसके ऊपर ये वाला टॉप रेनफोर्समेंट ये प्राइमरी बीम पर रेस्ट कर दिया, सेकेंडरी बीम का देखिए इसका, ठीक है, और इसका बॉटम के ऊपर ये वाला रेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं, और फिर से कहना चाहूँगा लेकिन क्या है कि जब भी बात करते हैं आपका पिलर के ऊपर, पिलर के ऊपर कभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका उसके ऊपर पहला वाला इधर से वाला से बीम हो, चाहे इधर वाला से बीम हो, जंक्शन के ऊपर, पिलर के जंक्शन के ऊपर, लेकिन वही जो है अगर यहाँ बीच में रहता है ना, बीच में ये दोनों हो गया, अगर ये दोनों के बीच में अगर पिलर देना होता, सॉरी बीम देना होता, तो ये दोनों हो गया प्राइमरी, तो यहाँ से यहाँ सेकेंडरी था, तो इसके ऊपर जो है रहता, ये वाला बीम के ऊपर टॉप रहता है ऊपर में, बॉटम इसके ऊपर रहता है, सेम वैसे सिचुएशन। तो ये एक तरीका है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसमें बहुत लोग का कुछ कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन रहता है कि सर क्या हम ये जो जंक्शन है, जंक्शन के पास हम लोग रिंग दे सकते हैं क्या? देखिए कभी भी पॉसिबल नहीं है रिंग देना, क्योंकि जंक्शन में रिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको वैसे ही छोड़ा जाता है। साथ ही जो है इधर से बीम का भी इसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा आपको। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का टैब है उस पर आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।